आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साल्ट्स के बारे में। साल्ट्स आपको पता है ना, एसिड बेस की रिएक्शन से हमेशा हमारे पास साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, क्लियर। तो साल्ट्स के बारे में पढ़ना है हमने, फैमिली ऑफ साल्ट्स के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से साल्ट जो आपके सिलेबस में है। उससे पहले पीएच ऑफ साल्ट, सबसे पहले टॉपिक है हमारा साल्ट का पीएच। ठीक है, मैं आपको जनरली बता देती हूँ। देखो यहाँ पे साइड में कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, है ना, SASB, व्हाट इज दिस। तो आपको क्या करना है, देखो अगर आपके पास एसिड और बेस आप जो मिला रहे हो, ठीक है, साल्ट बनाने के लिए, तो हो सकता है चार पॉसिबिलिटीज, चार पॉसिबिलिटीज क्या है कि हो सकता है कि जो एसिड है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो और जो बेस है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हो, है ना। लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स आपको पता है, HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो व्हाट्स अबाउट अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो यू नो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड और कौन सा होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। जनरली तो आपके पास दो ही रहते हैं, सोडियम और पोटेशियम ही रहेंगे आपको, और ज्यादा बेसिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, तो जो आपका जो सॉल्ट बनेगा है ना, उसका पीएच 7 होगा। ठीक है, एग्जैक्टली 7 होगा पीएच अगर आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आपका एसिड वीक है, वीक एसिड क्या क्या है, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। ठीक है, यू नो एसिटिक एसिड, आई हैव टोल्ड यू CH3COOH इज द फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड। तो अगर आपका मतलब वीक एसिड है, जैसे कि एसिटिक एसिड और वीक ही बेस है, बेस भी वीक है, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, तो जो सॉल्ट होगा उसका भी पीएच क्या होगा, 7 ही होगा। आप समझ रहे हो इन दोनों चीजों से मेरा कहने का मतलब क्या है, कि अगर एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो या तो स्ट्रोंग होनी चाहिए, दोनों ही स्ट्रोंग हो, या फिर दोनों ही वीक हो, तभी हमारा जो साल्ट होता है उसका पीएच 7 रहेगा। अदरवाइज दूसरे केसेस हैं, दूसरे केसेस क्या, कि एसिड तो स्ट्रोंग है बट बेस वीक है, जैसे कि एसिड आपने HCl की रिएक्शन करा दी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है ना, तो आपने एक स्ट्रोंग एसिड की रिएक्शन करा दी वीक बेस से, तो प्रोडक्ट तो वही होंगे, सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पर भी। बट जो सॉल्ट होगा ना, उसका पीएच लेस देन 7 होगा। लेस देन 7 का मतलब है कि जो सॉल्ट होगा वो थोड़ा सा एसिडिक होगा। एसिडिक कैसे हो गया, आपको पता चल गया ना, क्योंकि एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये जो वीक बेस आपने यूज किया ना, ये सारे एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, है ना। आप ऐसे समझ लीजिए कि दो अपोजिट आपकी टीम है, उसकी लड़ाई हो रही है ना, आपने फाइट कराई है दो अपोजिट टीम की, पहली टीम स्ट्रांग है, दूसरी टीम थोड़ी वीक है, ऑब्वियस सी बात है, फिर डोमिनेटिंग कौन हो जाएगा, जो स्ट्रांग टीम होगी, है ना, वही ना। सिमिलरली ये स्ट्रांग एसिड डोमिनेट हो जाएगा, कहने का मतलब सारा एसिड न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो इसलिए जो सॉल्ट होगा उसका जो पीएच होगा वो लेस देन 7 होगा। नाउ द लास्ट इज योर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये फोर्थ पॉसिबिलिटी है, क्लियर। या तो मतलब एसिड तो वीक होगा पर बेस स्ट्रॉन्ग होगा, लाइक एसिडिक एसिड की रिएक्शन करा दी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, इधर जो सॉल्ट आएगा उसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। तो इस कंसेप्ट पे आपको बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप चाहे ये जो 2.14 जो एक्टिविटी है, आप इसे एक बार परफॉर्म मतलब परफॉर्म के पढ़ के देखना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इन चारों जो आपने केसेस पढ़े हैं उसके ऊपर ही ये एक्टिविटी बेस्ड है। ठीक है, बिल्कुल बहुत सिंपल एक्टिविटी है, ये आप खुद पढ़ोगे। ठीक है, नाउ केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट आपको पता है ना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड हमारे हिस्टोरिक, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोडियम क्लोराइड बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है ना। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट दांडी मार्च, है ना, तो गांधी जी ने जो तो दांडी मार्च किया था, क्यों किया था, किसी को याद है, हम बता देते हैं। वैसे जितना मुझे ध्यान है, क्योंकि मैंने वो टाइम पहले पढ़ा था 10th क्लास में, 9th 10th जब भी आया होगा, कि हमारी कंट्री में जिस टाइम हम मतलब ब्रिटिश का रूल था, उस टाइम लोगों को, कॉमन पीपल को सॉल्ट बनाने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, ठीक है, कि वो खुद, हालांकि जैसे गुजरात है, कोस्टल एरिया है ना,
तो वहां पर समुद्र के पास ऑब्वियसली सॉल्ट निकलता है, तो वो लोग उस सॉल्ट को एकदम मतलब प्योरीफाई नहीं कर सकते, तो उनको बनाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है, पानी से। तो ये जो कि गलत था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो हमारी कंट्री है ना, हमारा पानी है, हमारा कोस्टल एरिया है, हमको ही परमिशन नहीं है। तो इसके अगेंस्ट जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, और उन्होंने जाकर वहां पर खुद नमक बनाया, और जो ब्रिटिश लोगों ने मतलब जो हमारे ऊपर ये क्या बोलते हैं उसको रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, उसको मतलब तोड़ दिया। ओके क्लियर। तो सोडियम क्लोराइड का केमिकली तो अच्छा है ही है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड के बिना तो कैसे इमेजिन करोगे ना अपनी लाइफ नमक के बिना, है ना। नमक तो बहुत जरूरी है, हर सब्जी में हर चीज में डलता है। क्लियर। तो जो कॉमन सॉल्ट है ना, उससे बोलते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स हमको मिल सकते हैं, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, मतलब इससे हमें और भी केमिकल्स मिल सकते हैं। तो कैसे मिलेंगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहला जिन्होंने लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका NaOH इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये भी हमें सोडियम क्लोराइड से मिलेगा, है ना। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि NaCl से NaOH कैसे मिलेगा, तो करते क्या है हम एक एक्वस सॉल्यूशन लेंगे सोडियम क्लोराइड का। एक्वस सॉल्यूशन समझते हो ना, पानी में घुला हो, पानी का घोल, पानी में नमक का घोल, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं जनरली, आपको पता होना चाहिए ब्राइन किसका सॉल्यूशन है, पानी और नमक का, ठीक है। क्लियर। आपने क्या किया इसका, इसको इसके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस समझते हैं कि इसके अंदर हम इस सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है। एक याद रखना, ये जो प्रोसेस है ना जिससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, किससे, सोडियम क्लोराइड से या को ब्राइन से बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। ये याद रखना, ये जो प्रोसेस है इंपॉर्टेंट भी है, ये पूरा टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने मैक्सिमम टाइम इस टॉपिक से क्वेश्चन देखा है पेपर में, फाइनल में, ठीक है। क्लियर। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, अब देखो होता क्या है, जनरली आपने जो सोडियम क्लोराइड है पानी में डिजोल्व किया, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से हमारे पास तीन चीजें बनती है, ठीक है। तीन चीजें क्या बनी है, एक तो बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, ठीक है। दूसरा बना है क्लोरीन गैस, जी लिखा है ना ब्रैकेट में, क्लोरीन गैस। तीसरी है हाइड्रोजन गैस। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों की ही अपनी यूटिलिटी है, कुछ ना कुछ हर चीज की कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है ना। तो देखो यहाँ पर इन्होंने एक सेटअप दिख रहा होगा आपको, ये आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस का सेटअप है। यहाँ पे जैसे एक कैथोड बनाई गई है, ये राइट साइड में है ना, ये लेफ्ट साइड में एनोड है। और हाँ, अभी मेरे को बीच में ध्यान आ गया, काफी बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं क्लास 10th के। अगर मुझे मतलब मैं एक दो एक्सक्यूज छोड़ दूंगी, अगर मुझे ये कंटिन्यूअस दिखाना, मैंने तुम्हारे घर पे सबको इंडिविजुअली कॉल करना है, ठीक है। क्लियर। तो ये जो कैथोड है आपकी राइट साइड में है, मैंने बताया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है ना। जब आपने पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया था तब भी आपने यही चीज पढ़ी थी कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलिसिस हुई तो तीन प्रोडक्ट बने, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, देखो यहाँ से निकाल दिया, ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस सॉल्यूशन में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, इन्होंने एक आउटलेट बना रखा है, ठीक है। ओके, इधर से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर निकलती है, ठीक है। इधर का मतलब ये है कि वो कैथोड पर निकलेगी हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली एनोड पर क्या निकलेगा, क्लोरिन। ये भी याद रखना है कि क्लोरीन निकलती है एनोड पर और हाइड्रोजन निकलती है कैथोड पर। अगर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस याद हो आपको, कौन सी रिएक्शन में किया था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन करी थी फर्स्ट चैप्टर की, तो याद होगा हाइड्रोजन जो निकल रही थी वहां भी कैथोड पर निकल रही थी और ऑक्सीजन निकल रही थी एनोड पर, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पे क्लोरीन निकल रही है, क्योंकि ये NaCl का सॉल्यूशन है, खाली पानी नहीं है ना। तो देखो यूजेस लिखे हुए हैं साइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन के यूजेस लिखे हुए हैं। वाटर ट्रीटमेंट में पर्दा पढ़ा होगा आपने, ठीक है, पानी को साफ करने में, स्विमिंग पूल्स में वही पर्पस है। PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपने देखा होगा जो पाइप्स होती है ना घर में, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल वायर्स पास की जाती है ना, फिटिंग में लगाते हैं, तो PVC की होती है, आपने सुना भी होगा। तो ये पॉलीमर होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, तो वहां पे यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब अगर ऐसी जगह कहीं ऐसी बैक्टीरिया है जिससे इन्फेक्शन ना हो जाएगा, तो उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट एज अ, ठीक है, ये क्लोरीन यूज हो रहा है। CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, आपको याद होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने पढ़ा भी होगा इवन कि
एयर कंडीशनर्स में और रेफ्रिजरेटर में ये यूज होते हैं काफी, ठीक है। आजकल तो मतलब इनको हटा दिया है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, अब तो नहीं इतना यूज होते। एयर कंडीशनर्स में तो नहीं होते आजकल, जो न्यू मतलब अच्छे वाले आ रहे हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स पता है ना, पेस्ट को किल करने के लिए यूज होता है। ओके, तो क्लोरीन के यूजेस ये हैं। हाइड्रोजन के भी देख लो, एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन इज अ वेरी नीट फ्यूल, क्लीन फ्यूल, ठीक है, कोई पॉल्यूशन नहीं करता। मार्जरीन, मार्जरीन इज आर्टिफिशियल बटर, ठीक है, आपने देखा होगा वो आते हैं, म्योनिस म्योनिस, ठीक है, काइंड ऑफ वही। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, अमोनिया पता है ना आपको, एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम खेतों में खाद के तौर पर, ठीक है। नेचुरल नहीं है, मतलब खाद तो नेचुरल कंपोस्ट होता है, बट फर्टिलाइजर थोड़ा आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं, ठीक है। काम उनका वही होता है, सोयल में जो जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। ओके, ब्राइन कंटेनिंग एनएच, तो यहाँ से हम एनएच निकालेंगे, तो एनएच डिग्रीजिंग मेटल के, डिग्रीजिंग समझते हो ना, ग्रीसिंग क्या होता है, ग्रीस लगाना, डिग्रीजिंग क्या हुआ, उस ग्रीस को हटाना, है ना। तो मेटल्स के ऊपर ग्रीसिंग की जाती है, आपको पता होगा, कोरिजन से बचाने के लिए, है ना, रस्टिंग से बचाने के लिए, तो उस ग्रीस को हटाना हो कभी तो उसके लिए एनएच यूज किया जाएगा। सोप्स में, है ना, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, ना? तो यहाँ ये सब यूजेस हैं आपके तीनों। तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसके प्रोडक्ट और उनके यूजेस, और साथ में ब्राइन क्या है ये याद रखना, ब्राइन जो टर्म है, NaCl का पानी पानी में सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कैथोड पर है, निकलती है इस प्रोसेस में, और क्लोरीन एनोड पर निकलती है, क्लियर। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर, सेकेंड इज योर ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है किस किस से मिलकर बनता है, ध्यान रखना। ये देखो, ये रिएक्शन जो मैंने ग्रीन बॉक्स में लिखी है, इसको ध्यान याद कर लो। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 प्लस Cl2 विल गिव यू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये साल्ट है समझ लो एक तरह का, प्लस H2O वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज योर स्लेक लाइम, इसको क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम, मैंने कई बार बता चुकी हूँ, स्लेट लाइम है, इसमें Cl2 पास किया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बना। ये जो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है ना जी, इसको ही हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, मतलब इसे जनरली, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया, ब्लीचिंग पाउडर मतलब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। ओके, ये जो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। क्यों करता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम, मैंने बताया था। देखो इसके पास ऑक्सीजन है ना, इट कैन गिव इट्स ऑक्सीजन, है ना, क्लियर। हालांकि क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम क्यों करता है, बट हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यू शुड नो अबाउट दिस। ओके, तो ये अपनी ऑक्सीजन जो है इसको दे सकता है ना, रिमूव कर सकता है या रिलीज कर सकता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते थे, जो दूसरों के ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। तो ये अगर अपनी ऑक्सीजन किसी दूसरे को दे देगा, तो जाहिर सी बात है दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, इसने उसकी ऑक्सीडेशन में हेल्प कर दी, है ना। तो दैट इज व्हाई कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। अब इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग, ये जितने भी सॉल्ट है ना अभी हम पढ़ने वाले हैं, इनका फॉर्मूला, ये किससे बने हैं, वो रिएक्शन, साथ में इनके यूजेस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, क्वेश्चन तो आना है इनसे। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर के यूज क्या क्या है, ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने में, ब्लीच समझते हो ना, ब्लीच करना क्या होता है, किसी चीज को वाइट करना या फिर किसी का कलर लाइट करना, ठीक है, तो वो ब्लीचिंग कहलाता है। तो कॉटन और लाइनन ये क्या होते हैं, फैब्रिक है, आपके पता है ना, कॉटन भी और लाइनन भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। फिर और वुड पल्प की ब्लीचिंग में, पेपर फैक्ट्रीज में, आपने देखो कागज जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है जनरली, है ना, वहां पे ब्लीचिंग के लिए आपके ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है। फिर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ, है ना, कई लोग कपड़े धोने में भी ब्लीचिंग, आपने देखा होगा वो आता है, एक क्या नाम है उसका, आई डोंट नो, मैं नाम ही भूल रही हूँ उसका, वी वॉश तो नहीं, उसका नाम क्या है, जो कपड़ों में स्टेन रिमूव करने के लिए आता है, आई थिंक सो, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, वो आता है स्पेशली, इसलिए आता है वो पिंक कलर का पैकेट होता है, लाइक ताकि वो जो कलर है या कोई स्टेन है उसके कलर को लाइट कर सके, ठीक है।
उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, अगर ध्यान आता तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे। चलो तुम सोच लेना, तुम बता देना वो क्या है। घर में यूज करती हूँ उसको, पिंक कलर के पैकेट में आता है वो, और अगर आपके कपड़ों पे कोई स्टेन लगा होता है उसको रिमूव करने के लिए उसको यूज किया जाता है। आप देखना उसके अंदर ना ब्लीचिंग, मतलब एक ब्लीचिंग पाउडर उसका एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, क्लियर। और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मैंने केमिकल इंडस्ट्रीज में लगा दे, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। अब मैंने बताया था ये डिसइंफेक्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैक्टीरियाज हैं जिससे इन्फेक्शन फैलता है किसी भी तरह का, उनको किल कर देगा। तो ऑब्वियसली जर्म्स जो पानी में प्रेजेंट होंगे उनको भी क्लीन कर, साफ कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। क्लियर। तो थर्ड इज जो फर्स्ट क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड हो गया ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा है बेकिंग सोडा। इसका भी आपने बड़ा नाम सुना होगा, घर में अक्सर अगर हम पूरी बनाते हैं या पकोड़े बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, लाइक ऐसी चीजें बनाते हैं, तो घर में आपने देखा होगा मम्मी बेकिंग सोडा यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट की जो चीज है वो, जो आपकी पूरी या पकोड़े वटेवर, वो थोड़े से क्रिस्पी बने, है ना, क्लियर। तो बेकिंग सोडा का देखो एक फॉर्मूला याद कर लो, मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो दोनों ही नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से याद रख लो, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो NaHCO3 इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा, ठीक है। नाउ हाउ कैन इट बी प्रिपेयर, तो वी विल यूज, देखो क्या किससे बना है ये, सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, मतलब कॉमन सॉल्ट से बना है। कॉमन सॉल्ट इसका क्या हो गया, रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा NaOH जो था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी किससे बना था, कॉमन सॉल्ट से बना था। जो ब्लीचिंग पाउडर था वो कॉमन सॉल्ट से नहीं बना है, वो किससे बना था, स्लेक लाइम से और क्लोरीन से, ठीक है। और ये जो थर्ड है बेकिंग सोडा, ये भी कॉमन सॉल्ट से बना है। तो फर्स्ट और थर्ड कॉमन सॉल्ट से बने हैं, जो सेकंड में हमने, सेकंड नंबर पे हमने जो पढ़ा था वो कॉमन सॉल्ट से नहीं बना है। तो क्या है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, ठीक है। नमक में क्या क्या ऐड किया है, पानी ऐड किया है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया है और अमोनिया ऐड किया है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट इज योर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दैट इज योर बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इसी को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, क्लियर। अब देखो एक चीज हम आपको, बड़ी इसकी भी बड़ी यूटिलिटी है, बेकिंग सोडा की बहुत यूटिलिटी है, क्लियर। बेकिंग जो सोडा होता है आपका, अगर आप इसको हीट कर दो ना, बेकिंग सोडा अगर आपने यहाँ से निकाला और उसको हीट किया, ठीक है, ये किसमें बन जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। पानी भी निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी, ठीक है। दो सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो बैलेंस किया हुआ रिएक्शन को, एक सोडियम कार्बोनेट देता है, साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एक बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट समझ गए ना, मैंने बताया था सॉल्ट तीन तरह के होते हैं, एक तो जिसका pH 7 है वो तो न्यूट्रल सॉल्ट है ना, जिनका pH less than 7 है वो एसिडिक सॉल्ट है, और जिनका pH more than 7 है वो बेसिक सॉल्ट है। तो ऑल दो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ सॉल्ट, बट इट इज अ बेसिक सॉल्ट, मतलब इट हैव बेसिक प्रॉपर्टीज, जो बेस की प्रॉपर्टीज होती है ना थोड़ी बहुत, वो इसके पास डेफिनेटली होंगे, ठीक है। मतलब जैसे बेस क्या करता है आपका, रेड को ब्लू करता है ना, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है, तो ये भी कर देगा। इसका सॉल्यूशन पानी में अगर आप इसको घोलोगे तो, और लिटमस पेपर पे टेस्ट करोगे तो ये ब्लू कर देगा, क्लियर। तो क्या क्या ये सॉल्ट एज एन एंट एसिड यूज कर सकते हैं हम, एंट एसिड समझते हो, मतलब जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, एंट मतलब एंटी है ना, और एंट एसिड मतलब जो एसिड के अपोजिट हो, एसिड के अपोजिट कौन होते हैं, बेस होते हैं ना। तो क्या ये हम बेस, ये जो ऐसा बेस है क्या ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, डेफिनेटली ये इसके पास इतनी टेंडेंसी है कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्ट है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा भी देख ले साथ के साथ। देखो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दो चीजें आएंगी अभी, तो पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो बेकिंग सोडा पढ़ रहे हैं, अभी बेकिंग पाउडर नहीं मैंने कहीं भी बोला,
बेकिंग सोडा चल रहा है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये एक बेसिक सॉल्ट है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो माइल्ड एडिबल एसिड है, तो सच एज टार्टरिक एसिड। अब ये बोलते हैं कि जो बेकिंग सोडा का पहला यूज है वो है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे हम? बेकिंग सोडा को में एक माइल्ड एडिबल, एडिबल समझते ना, खाने लायक, मतलब वो चीज जिसको आप खा सको, दैट इज एडिबल, दैट इज कॉल्ड एडिबल। माइल्ड मतलब मतलब माइल्ड मतलब थोड़ा हल्का, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेना, हल्का एसिड, जैसे टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। ठीक है, अब टार्टरिक एसिड याद है ना किसमें प्रेजेंट होता है? टैमरिंड में, इमली में, ठीक है। तो माइल्ड एडिबल एसिड अगर आप इसमें मिला दें जैसे कि टार्टरिक एसिड, तो हमारा बन जाता है बेकिंग पाउडर। हमारा क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ये देखो इन्होंने निकाल, देखो ये इक्वेशन दिखा रखी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एच पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि हमने इसमें क्या मिलाया? कोई एसिड मिलाया ना, टार्टरिक एसिड जैसे। तो एसिड का काम क्या है? कोई भी एसिड मिलाओगे वो एच पॉजिटिव रिलीज करेगा ना, तो क्या रिएक्शन हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और पानी निकल रहा है और एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, उस एसिड का एक सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। जैसे कि आपने अगर हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पे तो आपको हाँ आपको जरूरत नहीं है, ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है सॉल्ट, क्योंकि टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला बड़ा होता है थोड़ा, तो वो तो आपको याद नहीं होने वाला, अभी ना ही आपके सिलेबस में है, तो दोनों चीजें उसे मैं वो नहीं बताऊंगी, क्लियर। तो उस एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। क्लियर, जैसे आप HCl ऐड करते हो ना, मैं एग्जाम्पल देने के लगी थी कि मान लो HCl ऐड किया, HCl ऐड नहीं करना, HCl तो स्ट्रॉन्ग है बट यहाँ पे तो माइल्ड डालना है, वैसे एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, ठीक है। मान लो HCl ऐड किया तो सोडियम का सॉल्ट कौन सा होएगा? HCl के साथ सोडियम क्लोराइड है ना, वैसे तो ऐसे यहाँ पे एक सोडियम सॉल्ट बन जाएगा उस एसिड का जो आप यहाँ पे यूज करो, जैसे जो सा भी आपने यहाँ पे माइल्ड एडिबल एसिड यूज किया है ना, उसका सोडियम सॉल्ट भी बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में निकली है ना, है ना, इसमें ये क्या करती है? ये आपके ब्रेड को स्पंजी बना देती है। आपने देखा होगा ब्रेड में छोटे 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 पोर्स होते हैं ना, वो पोर्स कैसे आते हैं? ये जो जब रिएक्शन होती है उसके अंदर आपने जो मतलब अपना जो वीट फ्लावर है या वट एवर आपका, उसमें आपने जब मिलाया बेकिंग पाउडर, तो रिएक्शन होगी ना इसके बीच में, एसिड और ये जो बेकिंग सोडा के बीच में रिएक्शन होगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, पानी निकलेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगी ना, तो ऑब्वियसली बात है उस ब्रेड में से निकलेगी, तो कैसे कैसे निकलेगी? छोटे छोटे पोर्स करते हुए निकल जाएगी, है ना। तो वो जो पोर्स हो जाते हैं उसकी वजह से आपका ब्रेड स्पंजी बन जाता है काफी, ठीक है, क्लियर। तो ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए, केक को स्पंजी बनाने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट भी होता है, स्पंजी भी बन जाता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जो सोडियम बेकिंग सोडा के यूज पढ़ रहे हैं ना, पहला यूज क्या था आपका? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। दूसरा क्या होगा? एज एन एंटासिड, मैंने बताया था एज एन एंटासिड कैसे होगा, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है जो कि आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। अगर किसी को घर में एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर आप उसे बेकिंग सोडा देते हो थोड़ा सा, तो उसे क्या होगा? वो जो आपका बेकिंग सोडा है जैसे आपने पानी में डिजोल्व करके लिया, तो वो आपके स्टमक में जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और उस एक्सेस एसिड की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, जो भी सिम्टम्स आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। लाइक जैसे पेन होता है ना, स्टमक में पेन होता है, इरिटेशन होती है, तो उससे मतलब उसको आराम मिले, पेशेंट को आराम मिलेगा, ठीक है। थर्ड क्या है आपका? एज एन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। एक्सटिंग्विशर आपको पता है जो आग बुझाने के काम आते हैं, ठीक है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्यों बोला है? क्योंकि इसमें हम एसिड मिला के एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने कोई माइल्ड एसिड यूज किया, जैसे ना देखो अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? अगर कहीं आप मतलब ऐसी जगह डालोगे जहां पर आग लगी हुई है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को कट कर देगी, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है बर्निंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। आग जो है बुझ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में, और
आपका ये जो सोडा एसिड का मिक्सचर होगा, सोडा एसिड का मिक्सचर समझ गए ना, सोडा कौन सा, ये बेकिंग सोडा और आप कोई सा एसिड जो उसमें डाला होगा, तो ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर्स भी काम करेगा। ठीक है, तो हमने तीन यूजेस पढ़ लिए बेकिंग सोडा के, हमने ये भी पढ़ लिया कि एक बेसिक सॉल्ट है, और हमने देख लिया ये सोडियम क्लोराइड से कैसे बनाया गया। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास फोर्थ नंबर पे सॉल्ट आता है, दैट इज योर वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देख लो पहले तो, Na2, ये देखो ये लिखा हुआ है सेकेंड रो में, ये ना तुमको अपनी नोटबुक में जो जो मैं इसमें अंडरलाइन करती हूँ ना, या तो अपने अपनी बुक में पेंसिल से अंडरलाइन करो, और एक्स्ट्रा पॉइंट जो जो लिखे होते हैं मेरे इसमें PDF में उसको तुम भी लिखो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अपनी नोटबुक में, अगर आपके पास बुक नहीं है आप एक नोटबुक ले, आप वीडियो को ही पोस्ट कर करके बीच में जो जो चीजें मैंने मतलब अंडरलाइन की होती हैं उसको लिखा करें। ठीक है, क्लियर। तो वॉशिंग सोडा क्या है आपका, Na2CO3.10H2 क्या होता है जी, ये इसको बोलते हैं हम वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे, वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक्चुअली जब हम इस तरह के मतलब सॉल्ट बना रहे होते हैं जनरली, तो ये एज अ क्रिस्टल के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, Na2CO3 है जैसे, तो ये क्या करते हैं कि जैसे बनते हैं ना, ये कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, एक जो सोडियम कार्बोनेट है उसकी क्या टेंडेंसी है कि जैसे वो बना उसने 10 पानी के मॉलिक्यूल मॉइस्चर से एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है, तो ये जो आपको मतलब जनरली सोडियम जो कार्बोनेट आपको लैब में दिखेगा, वो हमेशा उसके पास 10 हाइड्रोजन सॉरी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमेशा होंगे। ठीक है, इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पर जो वाटर आपका क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेता है वो होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको तो सिर्फ ये याद रखना है इसका फॉर्मूला। ठीक है, Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका स्टैंड फॉर 10। ठीक है, उसके बाद ये देख लो सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 10 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके आपका वॉशिंग सोडा बन जाता है, दैट इज योर Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था। वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट साथ में 10 पानी की मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि उन्होंने 10 मॉलिक्यूल पानी के ऑब्जॉर्ब कर लिए एटमॉस्फेयर से। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो गीला होगा। ठीक है, क्लियर, ऐसे देखने में गीला नहीं लगेगा। ठीक है, आपको होगा तो सॉल्ट की फॉर्म में। उसके बाद है इसके यूजेस देख लेते हैं, क्योंकि हर सॉल्ट के फॉर्मूला उसकी रिएक्शन अदर गिवन है, और रिएक्शन हर किसी के गिवन है, उसका केमिकल नेम ओके, और उसके यूजेस, ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो नहीं छोड़ सकते। तो कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, साबुन बनाने में, ग्लास बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में भी सोडियम वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, और हम बोरेक्स बनाने में कर सकते हैं। बोरेक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो आप, जिसके बारे में आप 11th या 12th में थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे, 11th में है, हाँ 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि बोरेक्स है क्या और बोरेक्स के क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, तो बोरेक्स एक इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, तो उसको बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का ही यूज होता है। तीसरा जो है आपका क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, वही है, देखो फर्स्ट पॉइंट का ही एक इसको थोड़ा इलस्ट्रेट कर दिया, सोप बनाने में यूज हो रहा है ना, अब सोप कहाँ यूज होते हैं, एज अ क्लीनिंग है ना, क्लींजिंग एजेंट है ना, कहीं भी घर पर साबुन जो भी नहाने का, कपड़े धोने का, व्हाटएवर। उसके बाद इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो दिस टर्म इज न्यू फॉर यू, व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। एक्चुअली आपने सुना भी होगा कि हर जगह का पानी अलग अलग होता है, पानी तो वही होता है H2O है ना, बट जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज पानी में जनरली रहती हैं, तो अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट अगर पानी में प्रेजेंट है एक्सेस अमाउंट में थोड़ा ज़्यादा, तो उससे क्या होगा कि आपका पानी साबुन के साथ झाग नहीं बनाएगा, मतलब लादर फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस इन हार्ड वाटर विद सॉप। ठीक है, तो आप ऐसे तो आपको नहीं पता चलेगा ना पानी हार्ड है नहीं, बट आप सॉप के साथ देख सकते हो, अगर कहीं पर
आपने देखा होगा किसी किसी जगह के पानी से ना सोप अगर लगाओ तो लादन नहीं बनती है, वो झाग नहीं बनती है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो जो पानी है वो हार्ड है. ठीक है, तो ये होता है किसी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से. इसका जो डिटेल है वो आपके पास 4 चैप्टर में है, बट मुझे लगता है कि इस बार वो रिमूव हो गया है, तो शायद आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो नाउ आप कहते हैं आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? क्या किसी सॉल्ट के क्रिस्टल सच में ड्राई होते हैं? ड्राई मतलब समझिए ना, जो बिल्कुल सूखे, जिसमें पानी ना हो. ऐसा होता नहीं है. जैसे कि कुछ क्रिस्टल होते हैं जो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइक आपने अभी देखा वॉशिंग सोडा में है ना, जो सोडियम कार्बोनेट है वो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, तो ड्राई तो नहीं है वो, है ना. अगर अब देखो इन्होंने जो एक्टिविटी की है वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के साथ की है. ये जो 2.15 एक्टिविटी है ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के साथ की है. क्या किया है इन्होंने, एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं, फिर उसको इन्होंने हीट करना रख दिया है. हीट करने से क्या होगा, आप देखोगे थोड़ी देर बाद जो पानी होगा ना, पानी के जो स्टीम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टीम उसमें से निकलेगा, मतलब पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपको इस ट्यूब के अराउंड में इकट्ठी होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कंडेंस हो जाएगी ना यहाँ से, तो पानी वेपराइज होगा जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा. देन आगे जो आपकी ये जो ग्लास ट्यूब है वहां पर उसके सरफेस पे जाके वो पानी के वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे. कंडेंसेशन याद है ना, वेपर्स का लिक्विड स्टेट में आना. ठीक है, तो आप जब देखोगे कि टेस्ट ट्यूब के सरफेस के अराउंड वो पानी के वेपर्स कंडेंस हो गए हैं, तो इसका मतलब इस सॉल्ट में वाटर प्रेजेंट था, है ना. ये तो समझ में आ गया कि इससे क्या मतलब, क्या पता चला हमको कि अगर किसी चीज को हीट करने से आपको उस ग्लास ट्यूब के सराउंडिंग में कुछ वेपर्स इकट्ठे हुए दिखते हैं ना, कि जो यहाँ पर कंडेंस हुए हुए हैं, तो उससे ये पता चलता है कि इस क्रिस्टल में कुछ पानी के मॉलिक्यूल थे जो उसने मे बी क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पर एब्जॉर्ब कर लिए थे, जैसे सोडियम कार्बोनेट कर लेता है. तो कॉपर सल्फेट के पास कितने होते हैं जी, कितने क्रिस्टल एब्जॉर्ब करता है? आपने पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है कॉपर सल्फेट का. तो जनरली देखो ये फॉर्मूला दिखा रखा है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O. ठीक है, मतलब 5 इसके जो मॉलिक्यूल है ना, यही जब आपने हीट किया ना, यही 5 मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाके आगे फर्दर ऊपर ग्लास के ट्यूब पर की सरफेस पर कंडेंस हो जाते हैं. ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है. अगर कॉपर सल्फेट ड्राई हो जाए ना, एक और चीज आप इसमें देखना यहाँ पर इस वाले केस में, तो कि जो पहले ब्लू कलर था ना क्रिस्टल का, वो डिसअपियर हो जाता है अगर आप इसको हीट करो और इसमें से सारे पानी के वेपर निकाल दो ना, तो इस क्रिस्टल का जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O होता है वो तो ब्लू कलर का होता है, जबकि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस मतलब दैट सॉल्ट दैट डोंट हैव एनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, दैट इज नोन एज एनहाइड्रस सॉल्ट. ठीक है, तो कॉपर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के पास कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं होता, उसको हम सिंपल क्या लिखते हैं, कॉपर सल्फेट लिखते हैं. ठीक है, तो वो जो था वो व्हाइट कलर का होता है. ठीक है, तो आप ये भी देखोगे कि जो सॉल्ट ब्लू कलर का था वो व्हाइट कलर में चेंज हो गया. अभी जो मान लो मैंने, मान लो ये 5 पानी के मॉलिक्यूल हटा दिए गर्म करके, और मेरे पास क्या बचा, सिर्फ कॉपर सल्फेट बच गया व्हाइट कलर का. अगर मैं इसमें फिर से पानी डाल दूं, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में मैं फिर से अपनी तरफ से पानी डाल दूं, तो जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर क्या होगा जी, क्या वो व्हाइट होगा या ब्लू होगा? सोचो, वो ब्लू होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे ये जो कॉपर सल्फेट है ये फिर से 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर से अपना ब्लू कलर शो करेगा. ठीक है, नाउ एक अदर सॉल्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज जिप्सम. जिप्सम इंपॉर्टेंट है. देखो ये फॉर्मूला है जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O. कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O मतलब ये 2H2O क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है सॉल्ट के. ठीक है, क्लियर. तो
कैसे बनता है, मतलब क्या यूटिलिटी है जिप्सम की, बनता तो नहीं आएगा आपके पास, इसकी एप्लीकेशन आएगी, इसकी यूटिलिटी आएगी। तो अगला जो आपका जो है आपका सॉल्ट, दैट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड इज योर बेकिंग सोडा, थर्ड इज योर सॉरी सेकेंड इज योर ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड इज योर बेकिंग सोडा, फोर्थ इज योर वॉशिंग सोडा। ठीक है, फिर हमने एक एक्टिविटी कर ली। नाउ दिस वन इज योर फिफ्थ वन इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्लास्टर। ठीक है, अगर किसी की बॉन्ड में फ्रैक्चर आ जाता है तो डॉक्टर जनरली उसको प्लास्टर लगाते हैं ना, तो आपने सुना भी होगा, मेरे को प्लास्टर लगा है। ठीक है, तो व्हाट इज प्लास्टर, तो जनरली जो आपका प्लास्टर है उसका केमिकल नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। व्हाट डस मीन हेमी हाइड्रेट, हेमीस्फीयर सुना है ना, हेमीस्फीयर आधा स्फीयर जो होता है उसको हम हेमीस्फीयर बोलते हैं। तो हेमी हाइड्रेट मतलब आधा पानी का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एच टू ओ, तो इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एच टू ओ। अब तुम कहोगे कि पानी का मॉलिक्यूल आधा कैसे लग सकता है, मॉलिक्यूल तो फ्रैक्शन में नहीं जाते ना। एक्चुअली दो कैल्शियम सल्फेट के साथ एक पानी का मॉलिक्यूल अटैच रहता है, दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ एक पानी का मॉलिक्यूल अटैच रहता है। तो एक कैल्शियम सल्फेट के हिस्से में कितना आएगा, हाफ आएगा ना। तो जस्ट इसको एक रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है, फॉर्मूला वाइज हम इसको हाफ एच टू ओ लिखते हैं, क्योंकि एक कैल्शियम सल्फेट के तो हाफ से ही अटैच हुआ ना, दो कैल्शियम सल्फेट के जो मॉलिक्यूल है वो एक पानी के मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करते हैं, एक पानी के वाटर के मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करते हैं। तो एक कैल्शियम सल्फेट कितना एब्सॉर्ब करेगा, हाफ ना। तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O एंड दिस इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसी को ही हम आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बनता कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम, ये देख लो तुम। तो जिप्सम मैंने बताया था कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू ओ होता है जिप्सम, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है बट हाफ एच टू ओ होता है। ठीक है, तो आधा एच टू ओ किस में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में है, टू एच टू ओ है जिप्सम में। तो अगर आप इस हाफ मॉलिक्यूल वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस में वन एंड हाफ एच टू ओ ऐड करा दें तो मतलब आपके कितने जाएंगे, वन एंड हाफ प्लस हाफ विल बी इक्वल टू टू एच टू ओ। मतलब अगर आपने इसमें पानी ऐड किया हाफ वाले में, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आपने पानी ऐड किया तो ऑब्वियसली बात है वो जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, क्या तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, तो पानी मिलाने पर ये जिप्सम बन जाता है। ठीक है, तो जिप्सम जो होता है आपका वो काफी हार्ड सॉलिड मास होता है। ठीक है, हार्ड होता है जिप्सम आपका, क्लियर। तो ये इसलिए डॉक्टर करते हैं वो व्हाइट पाउडर में वो पेस्ट बनाकर आपके जैसे बाजू या किसी की लेग में फ्रैक्शन है तो वहां पर लगा देते हैं, उससे क्या होगा वो हार्ड हो जाएगा, वो जिप्सम में चेंज हो जाएगा। देन क्या होगा, अब हार्ड होने से आपकी जो बोन है वो अपनी पोजीशन से हिलेगी नहीं, वो मतलब आपकी बोन को पकड़ के रखेगा, एकदम टाइट होगा ना आपकी बाजू के अराउंड में। ठीक है, नाउ और भी कुछ एप्लीकेशन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो टॉयज बनाने के भी काम आता है, डेकोरेशन का मटेरियल बनाने के काम आता है, सरफेस स्मूथ करने के काम आता है। ठीक है, क्या तो एक तो आपने मुझे बता दो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं इसको, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पेरिस में मिला था और देखा इसकी मेडिकल यूटिलिटी है क्या, कि अगर इसको पानी मिलाए ना थोड़ा सा, जैसे कि हाफ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने वन एंड हाफ मिलाया, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस के मॉलिक्यूल में वन एंड हाफ वाटर ऐड किया तो जिप्सम बन गया, दैट इज अ हार्ड सॉलिड मास, जो कि आपकी जनरली अगर बोन फ्रैक्चर होती है तो आपकी बाजू के अराउंड डॉक्टर यूज करते हैं ना, इसको लगाते हैं, जिससे देखो जब वो पानी में मिलाया ना पाउडर को, जब वो रख दिया तब वो जिप्सम बन गया ना, पानी में घोलने के बाद तो जिप्सम बन गया, जब वो लगाने के बाद वो सूख जाएगा तो एकदम हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा, जिससे आपकी बोन्स ना अपनी पोजिशन से हिलेंगी नहीं, एकदम आपकी बाजू को जकड़ के रखेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर सेकेंड। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चन आंसर्स, खुद ही करने हैं। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू
तो बट हाँ, अगर कोई कहीं डाउट आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, देन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, ठीक है? जस्ट पोस्ट द क्वेश्चन, जस्ट पोस्ट द पिक्चर ऑफ दैट क्वेश्चन, देन आई विल आंसर यू, ठीक है? ओके, और यू हैव एनी अदर डाउट देन यू कैन ऑल्सो आस्क मी, ओके? तो आज के लिए इतना ही, और ऐसा मत करें कि पढ़े ना, पढ़ते रहें आप, ऐसा नहीं, अटेंडेंस लगाने से आपकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है? अगर आप अटेंडेंस लगा के चले जाते हो बट पढ़ते नहीं हो, तो आपको उससे कोई रिजल्ट मिलने नहीं वाला। ओके जी, बाय बाय।